नमस्कार, विशेष आलोचना मंतव्य को स्वागत करछि मुचिनमय। मंतव्य आज विषय वस्तु रही रथयात्रा कटकणा। चलित बर्ष केवल पुरी रे बिना भक्त हेब महाप्रभु रथयात्रा। राज्यर अन्य सबु मंदिर रे रथयात्रा बंद। पुरी रे कोविड कटकणा भितरे रथयात्रा अनुष्ठित हेब। गत वर्ष परे केवल सेवायत माने रथयात्रा रे शामिल हेबे। जेउ सेवायत माने रथयात्रा रे शामिल हेबे सेमाने दुई थरो टीका नै सारिथिबा आवश्यक किंबा 48 घंटार आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट थिबो। गत वर्ष परे कोविड कटकणारे रथयात्रा कराजिबो बोली एसआरसी सूचना दिछन्ते। रथयात्रा समय रे पुरी रे कर्फ्यू लागिबो। ट्रेन किंबा बस रे रथयात्रा समय रे पुरी को लोके आसी पारिबे नाही। कर्फ्यू समय रे अत्यावश्यक सेवा जारी रहिबो। सेपरि एसआरसी कहिछन्ति अन्य मंदिर मानकरे केवल मंदिर भितरे नीतिकांति होइ पारिबो। जाहाकु नै आज आमे आलोचना करबा एवं विभिन्न स्थान रु आम प्रतिनिधि माने आम सहित जोडि हेबे। लोक कोन प्रतिक्रिया रखुछन्ति, लोक कोन मंतव्य दउछन्ति ता उपरे आलोचना करबे। तबे आम सहित पुरी रु आलोक आशुतोष जोडि हेबे, नीलगिर रु प्रियनाथ बेहरा आम प्रतिनिधि जोडि हेबे, केन्द्रापड़ा रु प्रभात लेंका, मयूरभंज रु रंजन दास समस्त आम सहित जोडि हेबे। वर्तमान पुरी को जिबा आलोक आशुतोष आम सहित जोडि हेछन्ति। आलोक, वर्तमान कोन प्रतिक्रिया हस्तगत हेउछि जेतु आपण ग्राउंड रे अछन्ति, जे चलित थर जेमिति हेइथिला घोषयात्रा, क्षमा करिबे पूर्व थर जेमिति घोषयात्रा अनुष्ठित हेइथिला चलित थर मध्ये सेइभळि हबो। किंतु इम्पोर्टेंट कथा हेउछि जे जो सेवायत माने नियोजित हेबे घोषयात्रा रे सेमानंकर आरटीपीसीआर रिपोर्ट 24 घंटार नेगेटिव आसीबा दरकार एवं सेमाने दुई थर डोज बा दुई वैक्सीन रो दुईटी जक डोज नेथिबा आवश्यक। या भितरे कोन प्रतिक्रिया सेमाने रखुछन्ति? चिन्मय, आपण जाणिछन्ति गत वर्ष जेभळी भाबरे बिना भक्तरे रथयात्रा अनुष्ठित होइतिला, कारण गत वर्ष रथयात्रा हेबो कि नाही ता गोटे द्वंद्वरे परिस्थिति उपजिथिला एवं माननीय सुप्रीमकोर्ट एथिरे हस्तक्षेप करथिले एवं सुप्रीमकोर्ट जहाँ निर्णायक निष्पत्ति नेइथिले बिना भक्तरे कोविड कटकणा मुताबक रथयात्रा अनुष्ठित हेबो। ठीक सेइभळी भाबरे गत वर्ष कोविड कटकणा भितरे बिना भक्तरे रथयात्रा अनुष्ठित होला एवं जो सेवायत माने रहिछन्ति श्रीमंदिरर सेमाने रथयात्रारे सामिल हेले। खाली पादरे अत्यंत निष्ठार सहित महाप्रभुक रथ मध्ये टाणिले। तो निहत भाबरे चलित बर्ष राज्य सरकार जोभली भाव में आज घोषणा करछन्ती बिना भक्त रथयात्रा केवल पुरी रे अनुष्ठित हो और स्वास्थ्यगत दृष्टि सर्वसाधारण स्वास्थ्यगत दृष्टि कौन सी जगह आउ रथयात्रा अनुष्ठित हेब ना, केवल पुरी रे अनुष्ठित हेब। तो निश्चित भाव में जहाँ आभास चिन्मय आगुआ आमको मिलूला निहती भाव में कोविड कटकणा मध्यरे रथयात्रा अनुष्ठित हेब और बिना भक्त अनुष्ठित हेब। तो निहत भाव में आम किसी सेवायत प्रतिक्रिया नहींलु जेहेतु दैतापति सेवायत रथयात्रा चिन्मय गुरुत्वपूर्ण भूमिका रोचे से प्रतिक्रिया रोचे जेहेतु 18 वर्ष ऊर्ध अनेक युवक सेवायत अच्छा जो मैंने टीकार गोटे डोज नहीं किभली भाव में अग्राधिकार बेसिक द्वितीय डोज्र टीकाकरण कर जो अन्य सेवायत मैंने श्रीमंदिर अच्छा वयस्क सेवायत मैंने जो मैंने रथयात्रा चलित बर्ष सामिल हे से किभली भाव में द्वितीय डोज दि जापर श्रीमंदिर प्रशासन को दैतापति सेवायत मैंने नवेदन करते। कि सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ आप जानते राज्य सरकार तरफ आज जहाँ स्पष्ट है 500 संख्यार सेवायत रथयात्रा सामिल है कितु आम कहींपर रथ उपर केते जन सेवायत रहिबे ताकु नै कि कोनोसे सूचना आसी नै किंतु दैतापति निजगर जिए रहिछन्ति विनायक दास महापात्र वरिष्ठ दैतापति सेवायत सीए कहिछन्ति जेहेतु तांकर ये गोटे गोष्ठीगत सेवा सेथिपई रथ उपरे केते जन सेवायत रहिबे ताहा वर्तमान आकलन करबा ठीक नै। अनेक संख्या रे सेवायत मध्ये रथ उपरे रहि परन्ते आपण जानिछन्ति जून 24 तारिख रे महाप्रभुकर देवस्नान पूर्णिमा प्राथमिक पर्याय रे देवस्नान पूर्णिमा दिन महाप्रभु 108 गरा सुभाषित जल रे स्नान करिबे। महाप्रभु पहुंडी हेकि आसिबे सेठी किबळि बाबे सामाजिक दूरता रक्षा होइ परिबे तार उपरे विशेष करि आलोक वर्तमान से कन्फ्यूजन जे जहाँ भी गाइडलाइन सरकार आणुचंती रथयात्रा ये सबू नियम रथयात्रा रे केवल पालन करा पूर्वर मध्ये जो नीतिकांति रही जमती कि ज्येष्ठ पूर्णिमा रे जमती स्नान पूर्णिमा रे भगवान जो 108 कलसी रे गाधी थांती सी समय ये समान नियम र देखन चिन्मय आपण जानिछन्ति बाहर चंदन यात्रा जो अक्षय तृतीया ठारु आरंभ होइतिला बाहर चंदन यात्रा गत वर्ष श्रीमंदिर भितर होइतिला कारण कोरोना संक्रमण जथेष्ट वृद्धि पाइतिला। किंतु चलित वर्ष बाहर चंदन यात्रा आपण देखिले कटकणा मुताबक रीतिनीति मुताबक एवं संपृक्त संख्यार बा सीमित संख्यार सेवायत मानक सह नरेन्द्र पुष्करणी अनुष्ठित होला। किंतु आपण जानिछन्ति आगुकु जेहेतु महाप्रभुकर देवस्नान पूर्णिमा आसुछि देवस्नान पूर्णिमा रे महाप्रभु 108 गरा सुभाषित जळरे स्नान करिवे। ठीक देवस्नान पूर्णिमा पूर्वरु किभळि भाबरे सेवायत मानक अग्राधिकार भितरे टीकाकरण करा जिवा
द्वितीय पर्याय टीकाकरण से नहीं आज सेवायत मैंने दावी करते निश्चित भाव में देखो जो भाव पूरी सहर से कितु करोनार संक्रमण दिनकू दिन तलमुहा कितु दैतापति निजर सभापति जी रही रवींद्र दास महापात्र सी जहाँ आमको प्रतिक्रिया देते पूरी सहर लोक नहीं रथयात्रा करी सहर लोक अनुमति दि जाऊ कि राज्य सरकार स्पष्ट करदे कौन लोक रही ना कौन भक्त रही है आम अनुमान करवा केवल भक्त विहीन चलित बर्ष रथयात्रा हम केवल रथयात्रा सेवायत मैंने सामिल हे और किसी पुलिस अधिकारी सामिल हे कि सुरक्षित ढंग से आलोक परवर्त समय पाक फेर भी आलोचना करवा कि बर्तमान मयूरभंज आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि रंजन दास जोड़ी होती रंजन जमीक राज्य में पूरी मंदिर में जदिव घोषजात्रा बड़धरण हुए किंतु ता छड़ा जदि देखा आहरी अनेक स्थान रही जमीक बारीपदा एठार खूब आडंबर सहित भगवान रथजात्रा घोषजात्रा अनुषित हुए किंतु चलित थर राज्य सरकार संपूर्ण भाव बारण करवल पूरी छड़ा आउ के रथजात्रा होबना जो सेवायत मान रही मंदिर स्थानीय लोके खास करी बारीपदा मंदिर सहित भगवान सहित जो भक्त मान भावावेग जड़ित होने कौन प्रतिक्रिया रखुंट कौन मंतव्य दे निश्चित पक्षे चिन्मय देखु ये हूँ बारीपदा सहर जो द्वितीय श्रीक्षेत्र भाव में परिचित कहुए जो ओडिशार सारा विश्वर परिचित द्वितीय श्रीक्षेत्र भाव में परिचित बारीपदा बारीपदार मुझे सीधा सड़क आपको चित्र देखा देखो आम जगन्नाथ मंदिर निकट ठियाई जगन्नाथ मंदिर निकट में जो रथ पड़िया अच्छी रथ पड़िया बर्तमान रथ कार्य चालू रही रथ तीन रथ बर्तमान तोला चलती तैयारी चलती गोटे पक्ष रथर जमी लगे कथा चक लगे कथा विभिन्न प्रकार तार जो भाव में तार कम रहा कथा समस्त महारणा मैंने कम करम गहण में जो सेवायत अच्छा मंदिर सेवायत रही जिते प्रतिक्रिया बर्तमान प्रकाश पाई जिते एसआरसी सूचना देखते पुरी में कू रथजात्रा केवल हम पुरी में आउ कौटे रथजात्रा हम नहीं गोटे प्रकार कह जो अच्छा सेवायत मैंने अच्छा मन मन मध्य कह गोटे प्रकार बर्तमान भारी दुखर से रही बर्तमान चिंता रही आपको गोटे शोक प्रकाश करेंगे दुख प्रकाश करीधा सड़क आम प्रतिक्रिया रखा आज्ञा चलित बर्ष रथजात्रा केवल पुरी को छाड़िले सब बंद रही है कौन कहे जय जगन्नाथ रथजात्रा बंद हो गला जो परिचय महाप्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ को संस्कृति परंपरा ऐतिह्य को लेकिन आज ओडिशा गर्व करे ओडिशार परिचय विश्व दरबार महाप्रभु जगन्नाथ आज समस्ते वंदनीय कि सम्मान अधिकारी से आम प्रथम ओडिया भाव आम गर्वित अनुभव करूँ कहीं कहूँ आदिम कालर महाप्रभु रथयात्रा चिराचरित प्रथा भाव प्रत वर्ष पालित हो आसला गत वर्ष विश्व महामारी कोरोना हठात आविर्भाव होवर अनिश्चितता मध्य शेष समय केवल पूरी को अनुमति दे सारा राज्य को बंद कराइला एम संतुष्ट ना बाध्यु जे लोक जीवन जीविका से भितर आम एत जाणी न विषय कि रथयात्रा विकल्प नहीं आज्ञा कि चलित बर्ष रथयात्रापी प्रशस्त समय अच्छी समस्त जनसाधारण कोरोना को लेकिन समस्त अभिज्ञता है एवं राज्य सरकार अनलॉक खोलियापी चेषित करुणाशुणी होपा द्वारा कितु कहीं रथयात्रा बंद कले कौन लाभ हम आम जापार नुहे आम आपको कहचु जोबले नौक दुर्भिक्ष पड़ा से जाति निजर घर संसार को पछे पक महाप्रभु रथयात्रा किभली शांतिपूर्ण भाव संपादन से चेष्टित करता यह जुग जुग को इतिहास रही आड़िया जाति कहे मो कूल बुड़ु कि महाप्रभु को पत्य पावन बाना नीलचक उड़ू एवं नंदीघोष बड़दाण्डे गड़ू महाप्रभु एतकी करतु एवं आमर माननीय मुख्यमंत्री पाखे अनुरोध रहइबो जो विचार कर आज एसआरसी काढ़ी पुनर्व विचार करूँ एवं आम अनुरोध करुच्छू राज्यर जो आध्यात्मिक स्थान मान अच्छी जो आमर उत्कल संस्कृति परंपरा जो रथयात्रा को लेकिन आम मैंने गर्वित से रथयात्रा कोविड गाइडलाइन अनुजाई स्वल्प सेवायतों मध्य जिला प्रशासन द्वारा संपादन करा जाऊ से हेले खुशी हो पार कौन सी भक्त दरकार ना आम कहूँ कह भक्त को आसवा भी दरकार ना समस्त घरे बस टीवी यूट्यूब फेसबुक मध्यम महाप्रभु को दर्शन करूँ कि महाप्रभु को रथयात्रा होटा ही आम ओडिया जातिर आशा और आकांक्षा जो जड़े सेवा हिसाब से मुझे द्वारा एतक अनुरोध कर सरकार को नवेदन करुच्ची हे सरकार जहाँ करचुन करूँ आम समस्त कथा मुंडपाटी सहीचु कि महाप्रभु को रथयात्रा बंद करूँ महाप्रभु को रथयात्रा बंद करूँ ये आम परंपरार कलंकर दाग सृष्टि होती है ये इतिहास गोटे कलंकर कला अध्याय रही है आज्ञा
निश्चित पक्षे देखो चिन्मयी जो रथ महापात्र अच्छा रथ महाराणा जी बनाऊँ रथ को बनाऊँ सी आम सहित अच्छा आम तुम्हें प्रतिक्रिया रखा कौन कहे बर्तमान केवल पूरी को छाड़िले रथ चलो ना बोली बर्तमान आसला सूचना ताकू नहीं कि भाव रखुं पुई जो जगन्नाथ होती जगन्नाथ पूरी जगन्नाथ अनुमोदन जगन्नाथ ये मन को रजा करुमति पूरी जेदिन टाणा हे तादिन टाणा हुए तादिन टाणा हो गले पूरी भाया तो आम जगन्नाथ रही तेनालीमको अर्डर दे प्रशासक जे रथ पूरा संपूर्ण ये कम्प्लीट कर छाड़े बर्तमान अधारू बंद करदे आम रथ अधा सब कर सारे दुटा रथ नायिका छका सरला आ खाली जगन्नाथ रथटा भी छका सर आप कंट्राक्टर कम कर जिनपत अभावें आम गढ़ी पार ना तेणु बर्तमान ये लेबर का सब से क्या ये देखते आज आमको जमी भात थालीटा आगे देदे ठाकुर कोई उठेने केमती दुख लगे सेमती का आम बर्तमान जो सरकार जो नियम कर सरकार नियम ओहरी जाए केमती का रथजात्रा करने आमको बिना भक्त आम कम रथ गड़ेबू आप देख खाली पुलिस आम सेवायत के रथ गड़ेदे आप देखते पूरी भाया बारिपदा रथ महाराणा रही मनरे क्षोभ रही असंतोष रही कारण से जहाँ कहते जिते मंदिर प्रशासन तरफ निर्देश रही मंदिर निर्माण आरंभ होता कि अधारू बंद करने कौटि ना कौटि समस्त को आघात पहुंचाई रंजन परवर्त समय फेर भी आलोचना जो मैंने रही स्थानीय बासीदा प्रतिक्रिया ना कि बर्तमान समय हो छोट ब्रेक र आमे मंतव्य आलोचना करुच्छे जे रथयात्रा कटकणा वर्तमान राज्य सरकार बा एसआरसी सूचना दे सारी रथयात्रा केवल पुरी रे ही अनुष्ठित होबो पुणी बिना भक्त बाकी जो स्थान रे पूर्वरु रथयात्रा निर्माण होउथिला बा रथ घोष यात्रा सेठारे होउथिला किंतु वर्तमान ताहा बंद रहइबो केवल मंदिर भितरे नीतिकांति ही केवल मात्र होबो एनेके आमे आलोचना करुच्छे विभिन्न स्थान रो हम प्रतिनिधि जोड़ी होइछंती एवं स्थानीय अंचल रो लोकंकर मध्यम प्रतिक्रिया सुनुचे वर्तमान जीवा केन्द्रापड़ा को केन्द्रापड़ा प्रभात लिंका आम प्रतिनिधि जोड़ी होइछंती प्रभात तुलसी क्षेत्र भाव केन्द्रापड़ार बलदेव जी मंदिर प्रसिद्ध बा सबुठ विश्व प्रसिद्ध हिसाब से समस्ते जानती शंख क्षेत्र तुलसी क्षेत्र जितेबाला पूरी को शंख क्षेत्र कहुच तुलसी क्षेत्र भाव बलदेव जी मंदिर वर्तमान सबुठ स्थान पाई सबुठ परिचय सृष्टि कर या भितरे बलदेव जी किंतु सरकार जो गाइडलाइन आनी या भितरे घोष यात्रा अनुष्ठित हो पारना मंदिर में जो मैंने सेवायत रही स्थानीय अंचल लोक मैंने कौन प्रतिक्रिया रखुंत कौन मंतव्य दौरान निश्चित भाव में चिन्मय कह आम से ही पवित्र पीठ तुलसी क्षेत्र में अच्छे तो कह विश्व बड़ भाई जी अच्छा सिद्ध बलदेव जी का जो रही ब्रह्म तालध्वज रथ जो प्रथम जाए से ही परिप्रेक्षित पूरीर जो रही जगन्नाथ रथ पछे जाए तब से जो पुराण वर्णित रही तेज जो कोविड गाइडलाइन को सरकार गाइडलाइन रही तेज यही परिप्रेक्षित निश्चित भाव केन्द्रापड़ा अंचल हो कि सारा देश राज्य में बर्तमान गोटे प्रकार दुखद खबर आसी जाऊँच रथ चलोनी तेज ये नहीं भक्त मान प्रतिक्रिया आम सीधा सख्त ना तेज आम सहित किसी सेवायत जोड़ी होती आज्ञा कौन कहे जो ब्रह्म तालध्वज रथ प्रथम चलिए आज्ञा आमर अच्छी जेहतु बड़ भाई रथ ब्रह्म तालध्वज केन्द्रापड़ा बलदेवजी मंदिर आगे रथ चले नंदीघोष चले एमती परंपरा अच्छी यहाँ टोटाल बंद हो ठीक नुह प्रभु जात्रा बंद हाँ कथा नुह जात्रा जी बड़ भाई जात्रा रथ को जी यही आम चाहूँ यह ठीक नुह आज्ञा ब्रह्म तालध्वज रथ आगे चले नंदीघोष पुरी चले पुराण आगुरी अच्छी आज्ञा बड़ भाई रथ ब्रह्म तालध्वज रथ आगे चले केन्द्रापड़ा तुलसी क्षेत्र पुरी चले आज ब्रह्मतालध्वज केन्द्रापड़ा ब्रह्मतालध्वज रथ मंदिर मानने प्रथम दिन से गुंडीचा दिन जाए जाए अटक जाए आम मठ पाखे अटक जाए केन्द्रापड़ा ब्रह्मतालध्वज रथ किंतु जगन्नाथ रथ सीता पर महाप्रभु गढ़ला पर जाती जगन्नाथ महाप्रभु आगे बसंती जगन्नाथ पचे बसंती निश्चित भाव कहवा ज्येष्ठ भाई जी अच्छा प्रभु बलदेव जी को रथ प्रथम चलने जगन्नाथ रथ पचर चले तेज आम सहित आज जन सेवायत भाई जोड़ी होती आज्ञा कौन कहे ना जे जहाँ तो कहले से आमर बड़ भाई रथ आगे चले सान भाई रथ पचे चले सरकार सरकार निर्देश
ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ହଉ ତାମାନେ କ'ଣ ଏସବୁ କଟକଟା ଠିକ୍ ବଡ଼ ଭାଇ ରଥ ଆଗେ ଚାଲିବା କଥା ଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାତ୍ରା କେମିତି ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିନା ଭକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାଟା ହଉ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବେଶୀ ବଞ୍ଚ ରୋଗ ବାଡ଼ିଯାଉଛୁ ରୋଗ ରଥଯାତ୍ରା ଠାକୁରଙ୍କ ବଳଦେବଙ୍କ ରଥ ଚାଲିଲେ ରଥ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ରୋଗ ବି କମିଯିବ ଆମ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ଏଇ ରଥ ଯଦି ନ ଚାଲିବ ରୋଗ ବାଡ଼ି ବସିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ବିଶ୍ୱର ଯିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ପ୍ରଥମେ ଟାଣିଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଯାଏ ବୋଲି ପୁନର୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି ତେବେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ପୀଠ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ପୀଠର ଯେଉଁ ପୁନର୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି ସେହି ପୁନର୍ବନ୍ଧିତ ସେବାୟତ ମାନେ ଆଜି ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେଣି ଆଉ ଅଧା ଅଧିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବଣି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ୟାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ରଥ ବ୍ରହ୍ମତାଳ ତ ଯତ କେଉଁ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ତାର ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ଥାଏ ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଖରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ଶେଷ କେବେ ରଥ ଅନୁକୂଳ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପ୍ରଥମ ରଥ ଅନୁକୂଳ ଚକାଡ଼ାରେ ହୋଇଥାଏ ଆମର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ରଥ ଖଳାରେ ଚକାଡ଼ାରେ ହୋଇଥାଏ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ସେଇଦିନ ନେତ ବନ୍ଧା ହୁଏ ରଥ ଗଡ଼େ ଗଡ଼ିକି ଯାଇକି ମଠ ପାଖରେ ରହନ୍ତେ ଆମର ପୁରୁଣା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଥିଲେ ଶାସ ମାନେ ମହନ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଠାକୁର ସେଠି ରହନ୍ତି ତା ପରଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାତ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଚଳିତ ଥର ପୁରୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ନିର୍ମାଣ ହେବ ନାହିଁ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛି କୋଟି ନା କୋଟି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ରଥଯାତ୍ରା କଟକଣା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନୀଳଗିରିକୁ ନୀଳଗିରିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ପୁରୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ନୀଳଗିରି ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ପରିଚିତ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ତିନୋଟି ରଥ ତିଆରି ହୁଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରଥ ତିଆରି ହୁଏ ଯେଉଁକି ସମସ୍ତେ ରଥ ଟାଣନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରଥ ତିଆରି ହୁଏ ଯେଉଁ ରଘୁନାଥ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଯେଉଁଟାକି ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି କୁନି ରଥ ଟାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଟାଣନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳଗିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛି କାହିଁକି ନା ନୀଳଗିରି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ SRC ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି ଯେ କେବଳ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେକୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ପୂଜକ ଏବଂ ରଥ ମହାରଣା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପୁରୀରେ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନୀଳଗିରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ହେବ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ମୋର 90 ବର୍ଷ ପାର ହେଲାଣି ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆମର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମରଦରାଜ ଥିଲେ ରଜା ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମରଦରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମରଦରାଜ 3 ବର୍ଷ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରହିଛି ରହିକି ସେବକ ହିସାବରେ ରହିଛେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଯେ ଗଲା ବର୍ଷ ରଥ ବନ୍ଦ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଯେ ଠାକୁର କେମିତି ପୂଜା ହେବ କ'ଣ କରିବେ ବହୁତ ହୀନସ୍ଥା ହେଇକି କରାଗଲା ଦେବସେନା ପୁନଃ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ରଥ ତିଆରି କରି ତ କହିଲେ ତାପରେ ରଥ ବନ୍ଦ ହେଲା ରଥ ଚାଲିଲାନି ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ରଥ ହେବ ନୀଳ ରଥ ହେବନି ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଉ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେ ସେବାୟତ ସେବକ ରହିଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଚାଲିଛି କେଉଁକୁ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିବାଟା ସରକାରଙ୍କର ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ବା କିଛି ନ ଶୁଣିବେ ବା ଆମ ଗୁହାରି ନ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଠାକୁର ଏ ବର୍ଷ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଇପାରିବନି କିଛି କଥା ହେଇପାରିବନି କେମିତି ହେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯଦି ଠାକୁର ବାହାରୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଫେରେ ପୁରିବା କେଉଁକୁ
ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ କେମିତି, ତା ରଥ ନେବେ କି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କାନ୍ଧେଇକି ନେବେ, କ'ଣ କରିବ ସରକାର ଆମେ ତ କହିପାରୁନେ, ତେଣୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ହେବ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କହିବାର କଥା, ମୋର ବୟସ ହେଲାଣି, ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରୁନି। ଆଉ ଯାହା ମୋର ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଯେତେ ସବୁ ସେବାୟତ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଠି ନା କୋଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଠି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଅଧା ଅଧିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରଥ ମହାରଣା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମନା କରିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ଅଧିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।